गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू फोकस एकेडमी। हमने नेक्स्ट प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने द राइज ऑफ नेशनलिज्म यूरोप हमारा चैप्टर स्टार्ट किया था, वो हमारा इंट्रोडक्शन लेक्चर था। उसके अंदर हमने बेसिकली समझा था कि किस तरह से जो यूरोप के अंदर नेशनलिज्म स्टार्ट हुआ उसका क्या बेस पॉइंट था, क्यों लोगों ने मोनार्की सिस्टम को अबॉलिश किया। नेशनलिज्म के बारे में हम उसमें पढ़ चुके थे कि बेसिकली नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है। यूरोप एक कॉन्टिनेंट है, ये हम समझ चुके हैं कि यूरोप के अंदर बहुत सारी कंट्रीज हैं जिनके अंदर अलग अलग लेवल पे नेशनलिज्म स्टार्ट हुआ। मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर ये समझाया था कि बेसिकली जो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे वो है फ्रेडरिक सोरियो, तो हमें ध्यान रखना है ये नाम, ठीक है। अच्छा, बेसिकली आप ऑन स्क्रीन देख रहे होंगे एक पेंटिंग, इस पेंटिंग के अंदर ये बेसिकली फ्रेडरिक सोरियो की पेंटिंग थी। इस पेंटिंग के अंदर आप इसको ढंग से देखेंगे बहुत डीपली तो देखो आपको समझ में आएगा कि एक स्टैचू ऑफ लिबर्टी बनी हुई है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ठीक है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, जिसमें देखेंगे आप बहुत सारी क्यू बनी हुई है, क्यू बनी हुई है, उस क्यू के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो बहुत पीछे से रेगुलर आगे तरफ प्रोसीड कर रहे हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी का। तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी एक तरीके से क्या शो कर रहा है आपको, एक तरीके से राइट्स, जो आपके राइट्स हैं, ठीक है। अच्छा, ये पेंटिंग किसने बनाई है, पेंटिंग बेसिकली फ्रेडरिक सोरियो ने बनाई थी, हमें इनका नाम ध्यान रखना, फ्रेडरिक सोरियो, इन्होंने ये पेंटिंग बनाई थी। स्टैचू ऑफ लिबर्टी आपको दिख रही है जिसके अंदर एक हैंड में इनके पास कैंडल है और दूसरे हैंड में बेसिकली राइट्स हैं। तो इस पेंटिंग के थ्रू फ्रेडरिक सोरियो ये कहना चाह रहे थे कि बेसिकली जो लोग हैं, जो पीपल हैं, वो अब मोनार्की सिस्टम को छोड़ के स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तरफ बढ़ रहे हैं, उसको क्रॉस कर रहे हैं। तो उसको क्रॉस कर रहे हैं इसका मतलब क्या है, वो ह्यूमन राइट्स की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं, ह्यूमन राइट्स की तरफ प्रोसीड कर रहा है, ठीक है। वो कैंडल इनको शो कर रही है एक तरीके से स्टैचू ऑफ लिबर्टी की, भाई जो तुम्हारा फ्यूचर है वो इस तरफ है ना कि मोनार्की सिस्टम की तरफ, और जो राइट साइड के अंदर उनके पास जो राइट्स है एक तरीके से स्टैचू ऑफ लिबर्टी का राइट साइड, एक तरीके से उनके राइट्स शो कर रहे हैं, ह्यूमन राइट्स। तो पीपल इस तरफ प्रोसीड कर रहे हैं, इस तरफ आगे की ओर बढ़ रहे हैं, क्यों, क्योंकि उन्हें पता है कि अब मोनार्की सिस्टम अबॉलिश करना ही पड़ेगा, हमें हमारे राइट्स चाहिए। तो लोग बाग देखना, अलग अलग बहुत सारे फ्लैग्स दिख रहे होंगे आपको, तो उन फ्लैग्स को लेके स्टैचू ऑफ लिबर्टी के आगे प्रोसीड कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि वहां पर ह्यूमन राइट्स उनको आगे है। अच्छा, ये एक्चुअल में ऐसा है नहीं, ये एक्चुअली केवल एक फ्रेडरिक सोरियो एक आर्टिस्ट है जिन्होंने अपनी हाइपोथेटिकल थिंकिंग को लेके, मतलब अपनी थिंकिंग को लेके सोच के एक ये पेंटिंग बनाई थी कि हमें इस तरह से काम करना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग बात करते हैं, हमारे इंडिया में हम हमारी बात करते हैं भारत माता, ठीक है, हमारी भारत इंडियन मदर, हम बोलते हैं ना भारत माता की जय। क्या कभी किसी ने भारत माता को देखा है? नहीं, वो एक हाइपोथेटिकल पेंटिंग है, ठीक है, जो हमारे जो स्ट्रगलर्स थे इंडिपेंडेंस के टाइम पे, उन लोगों ने एक इमेजिन लिया था ताकि लोगों को क्या कर सके, हम लोग क्या कर सके, मोटिवेट कर सके, ठीक है, किसके लिए, नेशनलिज्म इन इंडिया के लिए, ताकि मोटिवेट कर सके लोगों को कि हाँ ये धरती हमारी क्या है, माँ है, मतलब एक भारत माता। तो एक तरीके से वो एक आर्टिस्टों ने हमारे उस टाइम के जो स्ट्रगलर्स थे उन्होंने क्या करा था, एक तरीके से बेसिकली नेशनलिज्म को जनरेट करने के लिए वो पेंटिंग बनाई थी, वो हाइपोथेटिकल थिंकिंग लेके आए थे। तो सेम फ्रेडरिक सोरियो ने भी क्या किया था, यूरोप के अंदर इस तरह की हाइपोथेटिकल पेंटिंग बनाई थी, ठीक है। इस पेंटिंग और अगर आप देखेंगे तो बेसिकली आपको कुछ लोग हैं जो अलग अलग फ्लैग्स लेके दिख रहे हैं। अच्छा, ये फ्लैग्स बेसिकली क्या कंट्रीज को शो कर रहे हैं, इटली, जर्मनी, स्पेन, जो यूरोप की कंट्रीज है उनको शो कर रहे हैं। अच्छा, नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे किंग के जो क्राउन है, किंग के क्राउन है और किंग के जो बहुत सारे थिंग्स है वो नीचे आपको फ्लोर पे दिखेंगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, वो क्या शो कर रही है कि अब जो मोनार्की सिस्टम है वो खत्म हो चुका है, अबॉलिश हो चुका है, अब हम क्या है डेमोक्रेसी की तरफ प्रोसीड कर रहा है, अब वो जो मोनार्की सिस्टम वो प्रॉपरली अबॉलिश हो चुका है, ठीक है। और ऊपर की तरफ आपको दिख रहा होगा तो एंजल्स वगैरह, गॉड्स वगैरह प्रे कर रहे हैं, तरीके से ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। तो इस पूरी पेंटिंग से हम समझ सकते हैं क्या, कि फ्रेडरिक सोरियो का एक ड्रीम था, क्या ड्रीम था, कि लोगों को ह्यूमन राइट्स की तरफ आगे प्रोसीड करना प्लस एक ऐसी कंट्री बनाना जो सोशल एंड रिपब्लिक हो। तो इस पेंटिंग के थ्रू वो लोगों को ये समझा रहे थे क्या, कि अब हमें मोनार्की सिस्टम को अबॉलिश करना है, मतलब जैसे कि वो किंग्स के जितने भी क्राउन वगैरह थे वो सब फर्श पे, इतने भी फ्लोर पे सब डले हुए थे, इसका मतलब कि हमें मोनार्की सिस्टम को अबॉलिश करना है और हमारी कंट्री के फ्लैग्स को लेके हमें ह्यूमन राइट्स की तरफ प्रोसीड करना है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तरफ प्रोसीड करना है। और इस ये जो वर्क है जो ये हम कर रहे हैं इसके लिए हमें गॉड, एंजल्स सब ब्लेस कर रहे हैं, ठीक है। तो इस पूरी पेंटिंग के अंदर आपको ये बताया गया, ठीक है, ओके, पूरी पेंटिंग समझ में आई हो आपको, ठीक है। फ्रेडरिक सोरियो की पेंटिंग थी जिसके अंदर उन्होंने क्या कहा था, बेसिकली ह्यूमन राइट्स के थ्रू और बेसिकली एक ऐसी कंट्री बनाना जिसके अंदर क्या हो, बेसिकली सोशल और रिपब्लिक हो और राइट्स की तरफ प्रोसीड करें। ओके, पेंटिंग समझ में आई होगी, ठीक है। अच्छा, बेसिकली इस पेंटिंग को अच्छे से समझना है, पेंटिंग है क्योंकि पिक्टोग्राफ हमारे एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई बोर्ड के अंदर पिक्टोग्राफ्स पूछे जाते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक है तो आप उसमें देख सकते हैं, नहीं तो मैंने पिक्चर यहाँ शो कर दिया, आप इस पिक्चर से इजीली समझ सकते हैं कि जो पेंटिंग है उसके बारे में क्या एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड दिस, ये पिक्चर समझ में आ गई हो, ओके, ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करेंगे आगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में।